जिस व्यक्ति की यहाँ हत्या हुई है उसके समर्थन में पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय हमेशा समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़े होने का दावा करती रही है। जिस बेटी के साथ रेप हुआ हो समाजवादी पार्टी कभी उसके साथ खड़े होते नजर नहीं आई, केवल आई तो आई है अपराधियों को बचाने के लिए। मैं सुल्तानपुर की घटना का जिक्र फिर करना चाहूंगा। सुल्तानपुर की घटना में वांछित अपराधियों को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक व्यक्ति अपने कमरे में बुलाकर विद्यालय में रात में कर क्या रहे थे प्रबंधक महोदय, ये कोई जवाब अखिलेश यादव नहीं दे पाएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं दे पाएंगे कि रात को समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो रात को अपने कॉलेज में कर क्या रहे थे महिलाओं के साथ में, हमारी बेटी को बुला करके जिस ढंग से दुष्कृत्य किया है प्रदेश की जनता कभी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। सवाल पूछिए जी ने अखिलेश यादव ने आज बोला है कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा अंतर नहीं है। आप जानते हैं कन्नौज की घटना के बारे में बताया, अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या में मौलाना साहब ने उनका नाम आप सब जानते हैं, उन लोगों ने रेप भी किया और सीनाजोरी भी की। हमारी सरकार बेटी के साथ खड़ी हुई, पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि हर स्थिति में हम बेटी के साथ खड़े मिलेंगे। जो पीड़ित परिवार है हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होंगे जो गुंडे माफिया बदमाश है उनके मनोबल को तोड़ने का काम करता है। और अभी हाल में हम 3 दिन पहले अखबार देख रहे हैं एक और विधायक जी समाजवादी पार्टी के हैं उनके एक बेटी की लाश बरामद हुई है उनके आवास से। आप सब लोगों ने मीडिया में देखा होगा, आप समाजवादी पार्टी के नेता से बात को अवश्य पूछिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सिद्धार्थ नगर में अपना दल इसके विधायक को धरने पर बैठा अधिकारी समिति के सभी ने कब्जा कर लिया। आप एक काम करो, आप एक काम करो सर, अखिलेश यादव ने कहा कि इस सूची को हम पार्लियामेंट के दोनों सदन में रख देंगे। देखिए रजिस्ट्री अधिकारी के नाम के साथ आप मेरी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ, अयोध्या का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर के तैयार हुआ है, 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं वहां धरातल पर उतर रही हैं और लगभग 50,000 करोड़ की परियोजनाएं जो 32,000 में शामिल है उसको शीघ्र ही पूरा करने वाले हैं अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में। अयोध्या का डेवलपमेंट कैसे हो गया, ये वही लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग जिनके पुराने शासनकाल में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अयोध्या में नियत थे राम भक्तों पर गोलियां चला करके खून की नदियां बहाने का काम, मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। अयोध्या का जो ब्रिज है सरयू माई का ब्रिज है पूरा खून से रंगा हुआ था, राम मंदिर के आसपास की गलियां खून से रंगी हुई थी, ये सब समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जांच में आएंगे जो पहले कह रहे सत्ता में आएंगे कि फर्जी एनकाउंटर हो रहा है आपकी जांच करवाएंगे, जो एनकाउंटर अभी हो रहा है सत्ता में आने पे सबकी जांच करवाएंगे। अखिलेश फर्जी एनकाउंटर कह रहे हैं उसकी जांच करवाएंगे। आपको स्पष्ट कर दूं, आप सब जानते हैं जब कभी कोई एनकाउंटर होता है तो मजिस्ट्रेटी जांच होती है और मजिस्ट्रेटी जांच के बाद पूरा मामला अदालत में जाता है। माननीय न्यायालय सर्वोच्च है, भारतीय संविधान के तहत हमारी जिम्मेदारी है कि हम माननीय न्यायालय के निर्णयों का पालन करें और पूरा मामला मजिस्ट्रेटी जांच के बाद न्यायालय में जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोग केवल खड़ियाली आंसू वोट के लिए कानून को दरकिनार करके कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं, प्रदेश जनता कभी इन्हें माफ नहीं करेगी। परिवार के अंदर सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के नेता और अफसर प्लॉटिंग कर रहे हैं। देखिए मैं साफ आपसे कहना चाहता हूँ हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, जांच होगी, कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। जांच कराएंगे, पीडीए के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, अखिलेश यादव ने कहा पीडीए के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हीं का इंकाउंटर किया जा रहा है। उनसे ये पूछिए कि जिस की चर्चा वो कर रहे हैं उसका हक उन्होंने ही मारने का था। हम पार्लियामेंट मेंबर जब प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल आया
समाजवादी पार्टी के लोगों ने बेल में जाकर के बिल को फाड़ा था, पूरे देश की जनता मीडिया देखती फुटेज निकाल। और मैं बता दूं, महिला आरक्षण का बिल आया तब इन लोगों ने जाकर के अराजकता फैलाई, बिल फाड़ा, और एक इनके एमएलए है उस समय एमपी थे, कांच का गिलास पानी पीने के लिए मंगाए और कांच के गिलास को मेरे सामने ऐसे पार्लियामेंट के अंदर सदन के दौरान दौड़ करके अपने पेट में मार करके सदन को स्थगित कराना चाहते थे। उनके डीएनए में गुंडई अराजकता है और कुछ नहीं है, प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। एक सवाल है, अपराधियों को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का बता रहे हैं, प्रदेश की जनता के समक्ष कुछ तथ्य में रखना चाहता हूँ। सुल्तानपुर की घटना में प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, चूंकि आधुनिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का युग है, हमारी सरकार ने सभी तथ्यों को गंभीरता के साथ जांच के दायरे में लेते हुए सर्विलांस के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तथ्यों को जानकारी एकत्र की। जो लोग वांछित थे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उनकी मोबाइल लोकेशन निकाल करके वांछित लोगों की पड़ताल करके पहचान करके कार्रवाई प्रारंभ की। उस कार्रवाई के दौरान जो अपराधी पकड़े गए वो पुलिस मुठभेड़ में मारे भी ढेर सारे लोग गए। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन माने का काम करती है। ये पहला मैं मुजफ्फरनगर में जब एक हमारी बेटी के साथ, बहन के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उस समय क्या हुआ था? केवल आपने वोट के चक्कर में, केवल वोट के बंटवारे के चक्कर में आपने किसी व्यक्ति को छोड़ दिया था, गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पूरे देश ने सर्वजन की स्थिति का सामना किया था। मुजफ्फरनगर दंगे में कितने लोग मारे गए थे जो निरपराध थे। समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए और हम आज कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी का डीएनए ही ऐसा है, समाजवादी पार्टी की व्यवस्था ही ऐसी है, जब जब वो सरकार में आते हैं गुंडे माफिया मवाली सारे लोग डॉलर खड़ा करके प्रदेश की जनता के ऊपर रोड रोलर चलाने का काम करते हैं, रोड रोलर चलाने का काम करते हैं, जनता को कुचलने का प्रयास करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किसी अपराधी को बकसने वाली सरकार नहीं है। हर स्थिति में दूध का दूध पानी का पानी होगा, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की काम हमारी सरकार अदालत के माध्यम से की। हम सब जानते हैं बहु बेटी पर अत्याचार अनाचार सर्वाधिक समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, लेकिन आप लोग एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देखेंगे, बहु बेटी पर अत्याचार अनाचार हमारी प्रदेश की सरकार में कम हुआ है। और सर्वाधिक सजा दिलाने वाली अगर कोई सरकार है तो उत्तर प्रदेश सरकार है, अदालत के माध्यम से आप एनसीआरबी के आंकड़े देख सकते हैं। जहां तक अखिलेश यादव जी बार बार सवाल उठाते हैं कि माँ के आंसू समझ में नहीं आए, मैं उसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने जिस ढंग से भोले भाले लोगों की संपत्ति को लूटा है, खुलेआम असलहे के बल पर अपहरण किए हैं, खुलेआम असलहे के बल पर के रेप हुए हैं, खुलेआम जमीन पर कब्जा हुए, सरकारी ठेकों पर लूट हुई है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, क्या उन घटनाओं पर वो श्वेत पत्र जारी करेंगे? मैं अखिलेश यादव जी से समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना चाहता हूँ, अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई है, कन्नौज की घटना कौन किया है? मैं अपने पत्रकार मित्रों से पूछना चाहता हूँ, कन्नौज की घटना कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हैं, हमारी सरकार किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है, यह सबकी सरकार है, सबके हितों की चिंता करती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करें और हर स्थिति में लोगों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करें। हम जब जानते हैं कि इस घटना में जो लोग वांछित थे उनके पास से गिरफ्तारी के दौरान 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है, जो दिन दहाड़े लूट हुई थी 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास करती है, जबकि प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को जब जब इनकी सरकारें रही हैं, जब जब इन्हें ताकत मिली है, ये पुष्पित पल्लवित करती रही है,
जहां तक आप सब जानते हैं समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से अपनी विगत सरकारों के दौरान आप देखते होंगे, हमें अच्छी तरह याद है इसी राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के क्षेत्राधिकारी को लोहिया वाहिनी के गुंडों ने बोनट पर टांग करके लखनऊ की सड़कों पर घुमाया था और बेचारे वो पुलिस उपाधीक्षक बोनट पर लटके लटके पूरे लखनऊ में सड़कों पर नंगा नाच लोहिया वाहिनी के गुंडों ने किया था। फिर लोहिया वाहिनी के गुंडों की हिम्मत देखिए उस समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस जीप को ले जा करके एसएसपी लखनऊ के बंगले में घुसा दिए थे और एसएसपी लखनऊ के माध्यम से उन गुंडों को, जिन लोगों ने क्षेत्राधिकारी हजरगंज को बोनट पर जीप पर टांगा था, उनको बचाने का काम हुआ था। आज तक उस घटना में कितने लोगों की सजा हुई है समाजवादी पार्टी बताए। दूसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, बदायूं में दो बहनों के साथ जो घटना घटित हुई थी, पूरे देश और दुनिया में चर्चा हुई थी, समाजवादी पार्टी आज तक उस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दे पाई है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूट करके उनकी हत्या करके पेड़ पर टांगा जाता था। तो तीसरी घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मथुरा के जवाहर बाग कांड को कौन भूलेगा, हमारे एडिशनल एसपी, हमारे पुलिस अधिकारी वीर गति को प्राप्त किए थे, अपराधी जो समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में थे, कई दिनों तक गोलियां चली थी, गोला बारूद इकट्ठा करके रखे थे, ये समाजवादी पार्टी की संरक्षण की ही देन है कि जब जब सपा की ताकत मिलती है अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और प्रदेश की भोली भाली जनता का अमन चैन भी लूटते हैं, उनकी धन संपत्ति भी लूटते हैं और बहु बेटी की इज्जत आबरू को भी खतरे में डालने का काम करते हैं।